जिले के एडिशनल एसपी राजेश जी यादव हमारे साथ हैं, जो कि पूरे झालावाड़ जिले का दौरा कर रहे हैं और वहीं डग विधानसभा चोमेला गंधार उनेर का दौरा किया है। 21 दिन का लॉकडाउन, पुलिस की जो तत्परता है, पुलिस की जो व्यवस्था है, उसको देखने का काम जो आज एडिशनल एसपी साहब ने किया है। हम बात करते हैं लगातार सर, 21 दिन का लॉकडाउन पुलिस कहीं ना कहीं समझाइश भी कर रही है, कहीं ना कहीं पुलिस थोड़ा सा उस कंट्रोल करने की बात भी कर रही है और पुलिस हाथ जोड़कर अपील भी कर रही है कि आप घर में रहें, लेकिन जो लोग मानते नहीं सर, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई सर? ये बेसिकली जैसा कि हम सबको विदित है, कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैल रहा है जी सर, और उसका बेसिक जो उसका सोल्यूशन है, समाधान है, वह यही है कि हम अपने घरों में रहें जी सर। घर में रहने का फ़ायदा ये है कि अगर किसी को होगा भी तो पता लग जाएगा और आगे नहीं फैलेगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में पुलिस थोड़ी बहुत सख्ती भी करनी पड़ रही है। बेसिकली हमारा रहता है समझाइश, समझाइश पे जो नहीं मानते तो हम आजकल उनके खिलाफ एमवी एक्ट के अंदर उनकी गाड़ियों को जब्त कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिला प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई सर पूरी इस कोरोना वायरस के चलते? पुलिस ने अपने लेवल के ऊपर 34 जगह नाके लगा रखे हैं जी सर, जिसमें से इंटर स्टेट जो नाके हैं वो 23 जगह हैं और बाकी अपने जो दूसरे जो जिले हैं उनसे लगती हुई बॉर्डर पे लगा हुआ है। रात दिन वहाँ निगरानी रखी जा रही है, साथ में अभी कुछ शिक्षक भी लगाए गए हैं उसी उन पॉइंट्स के ऊपर। हमारा यही रहता है एम्फेसिस कि बाहर की गाड़ियाँ और बाहर के लोग किसी भी तरह से ज़िले में नहीं आए जी, और इसके साथ ही हम ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या इस तरह की चीज़ है उनको हम अलाउ भी करते हैं। लोगों को सामान की कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से सामान ले रहे हैं, मिल रहा है, पर हमारा यही है कि बिना बात लोग बाहर नहीं निकले, कम से कम अपने घरों ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें और कम से कम समय के लिए बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर रहें। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग ने सर एक पहल की है कि एक आपका इकलेरा के अंदर कैंसर रोगी था जिसको दवाई नहीं मिल रही थी, उनने हेल्पलाइन में फ़ोन किया, उसको दवाई भी उपलब्ध होगी सर? बिल्कुल, दवाई उपलब्ध भी हो रही है। ऐसा कोई पेशेंट आता है तो मुझे डॉक्टर को दिखाने की परमिशन दे देते हैं और पास भी मिल रहे हैं सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसका भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। अभी जैसे अनाज मंडी खोली उसमें भी हमने लोगों को पूरा सहयोग किया, तो हमारा ये कि सहयोग रहे बस, साथ ही लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और इसमें जो है पुलिस का कोऑपरेट करें। सर, अभी डग उनेल नागेश्वर गए, वहाँ क्या रिस्ट्रिक्शन है? वहाँ यही है कि लोग अब जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया लगातार ड्यूटी करते हुए, तो उनका मनोबल भी बढ़े और साथ ही वो ड्यूटी भी अपनी एफिशिएंटली कर पाएँ, यही हमारा वो रहता है, और वो साथ ही अपना भी ध्यान रख पाएँ कि वो भी किसी तरह से इन्फेक्ट नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो बेसिकली दो तीन चीज़ें इसमें, एक तो सब एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें जी सर, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें और साथ ही अपने हाथों को अपने मुंह पर नाक पे नहीं लगाएं, यही हमारा बेसिक रहता है, और मास्क का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। सर, खबर मंडी पर तक अपील सर दर्शकों तक, मेरा लोगों से यही अपील है कि हमें कोरोना वायरस को हराना है और हराने के लिए जो सरकार का लॉकडाउन है और साथ ही जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम फॉलो करें। मैं समझता हूँ इस लड़ाई में हम अवश्य जीतेंगे बिना किसी संशय के। देखा, एडिशनल साहब ने कहा है कि हमें कोरोना को अगर हराना है तो लॉकडाउन का पालन करना है। 21 दिन का लॉकडाउन, जनता ने बहुत प्यार दिया, जनता ने काफी बातें मानी, लेकिन 5 से 7-10 दिन और बच गए हैं, आप घर में रहें, आप घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो हमें घर में ही रहना है। आज के खास मुलाकात में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।